साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सदक संसार। मामला हिसार के पास का भुथण गांव, जिसका नाम आपने सुना होगा, और बीजेपी पार्टी की एक बहुत ही बड़ी कार्यकर्ता सोनाली फोगाट के बारे में सबने सुना है, जिसका कल सनसनीखेज एक मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि गोवा किसी कारणों से गई हुई थी और वहां से सूचना मिली कि सोनाली फोगाट की मौत हो चुकी है। अलग अलग प्रकार के संज्ञान आ रहे हैं, अलग अलग प्रकार के मामले निकल करके आ रहे हैं, और सबसे बड़ा जो मामला निकल करके आ रहा है, उनके घरवालों के जो आरोप हैं वो सीधे के सीधे उनके पीए सुधीर सांगवान के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सुधीर सांगवान के लिए एक ऑडियो वायरल हुई है जिसको आप सुनेंगे। यहाँ आ रहे थे वही हो गया अभी। अच्छा, तो पोस्टमार्टम वगैरह क्या कुछ चल रहा है? देखो शाम को होगा, कल होगा। अच्छा, शाम को या कल हुआ, तो ऐसे कैसे हो गया ये? पता नहीं भाई कैसे हुआ, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो आप वहीं थे क्या, पास ही साथ ही? और क्या, रात तो सारी रात तो राजीव खुशी बतलाए हैं। ठीक है। अच्छा, और फिर सुबह 7:30 बजे की बात है, मैं 5 से 7 मिनट के लिए कमरे के बाहर गया था, इतनी देर में हो गया। अच्छा। सुधीर सांगवान के खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसको आप साइड के अंदर देख रहे हैं। सोनाली फोगाट के भाई ने आरोप लगाए हैं कि सोनाली फोगाट के साथ में सुधीर सांगवान जो है वो गलत तरीके का व्यवहार करता था, सोनाली फोगाट को ब्लैकमेल करता था, और ब्लैकमेल करने के साथ साथ उनके साथ दुर्व्यवहार भी करता था। तो ऐसे ऐसे मामले निकल करके आ रहे हैं, जिसके खिलाफ जो है वो एक सख्त एक्शन लिया जाएगा। पूरा परिवार जो है वो एकदम से सन्नाटे में रह गया जब उनकी कॉल आई सुधीर सांगवान की सोनाली फोगाट के भाई के पास में, कि मेरे 5 मिनट के अंतराल के अंदर सोनाली फोगाट की मौत हो जाती है। सोनाली फोगाट का अपनी मम्मा के पास भी फोन आता है और कहती है कि मम्मी, मेरे खाने में शायद कुछ मिला दिया गया है, जिसे मुझे अपने शरीर के अंदर कुछ कमजोरी महसूस हो रही है। और उसी दौरान थोड़ी देर बाद में फोन कट हो जाता है और कुछ ही मिनटों के बाद में खबर आती है कि सोनाली फोगाट की मौत हो गई है। सोनाली फोगाट बीजेपी के एक मजबूत कार्यकर्ता, जिन्होंने 2019 का चुनाव जो है वो आदमपुर से चुनाव लड़ा था, एक मजबूत के साथ में स्तंभ के साथ खड़ी हुई थी, और अभी फिलहाल भी कयास लगाए जा रहे थे कि आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होने के बाद में उनसे मिले थे कुछ ही दिन के बाद में, और अलग अलग प्रकार के बयान आ रहे हैं। लेकिन मामला क्या कुछ है, इन दोनों एक और वीडियो जो है वो वायरल हो रही है। आईडिया है मेरे को, टाइम नहीं देखा मैंने, वो कहता है सोनाली का हार्ट फेल हो गया, वो नहीं रहा। उसने सीधा ही बता दिया, अगर वो कोई डॉक्टर तो है नहीं, भी हार्ट फेल हो गया, वो है नहीं जी। और वो दूसरी बार फोन किया तो वो कहता है रात को तबीयत खराब हुई उसकी, तो रात को तबीयत खराब हमारे पास फोन क्यों नहीं किया जी, हमारी किसी से बात नहीं करवाई किसी से भी, मेरे से या माँ से। तो वो हर बार अलग बयान दे रहा है, मतलब हर बार अलग बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है जी। या किसी बात को ले गए सोनाली, किसी बात का पता चल गया उसकी, कोई गड़बड़ की है उसने। कुछ टाइम पहले उनके घर में चोरी भी हुई थी सोनाली।